हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ जिम बिजनेस इन इंडिया पोस्ट लॉकडाउन। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद क्या हमें जिम बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या जिम बिजनेस इंडिया में प्रॉफिटेबल है, इस वीडियो में हम आपको डिटेल जानकारी देंगे इंडिया में जिम बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए और उसे प्रॉफिटेबल कैसे बनाना चाहिए। लेकिन इस टॉपिक में आने से पहले काफी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि क्या हमें जिम बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉकडाउन में सबसे पहले जिम्स को बंद करवाया गया और अनलॉक 3 में, मतलब सबसे लास्ट में, जिम बिजनेस को परमिशन मिली खोलने की, ऑपरेट करने की। तो इस सूरत में क्या हमें नया जिम सेटअप करने में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम ऐसे 6 रीजंस बताएंगे जिससे आप श्योर हो जाएंगे कि पोस्ट लॉकडाउन में जिम बिजनेस में इन्वेस्ट करना कितना सेफ और प्रॉफिटेबल होगा। दोस्तों, ये वीडियो में हम 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। क्या हमें जिम बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नया जिम बिजनेस सेटअप कैसे करें, और पॉइंट नंबर 3, जिम बिजनेस को लंबे समय तक प्रॉफिटेबल कैसे बनाए रखें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अंत तक जरूर देखें, क्योंकि किसी ने नहीं बताया होगा वैसे नए जिम स्टार्टअप पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। मैं हूं नचिकेत, आपका फिटनेस एडवाइजर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। दोस्तों, इंडिया में इस समय जिम बिजनेस क्यों खोलना चाहिए, उसके कई रीजन से। रीजन नंबर 1, गुड अपॉर्चुनिटी पोस्ट लॉकडाउन। हाँ दोस्तों, कोरोना पेंडेमिक के बाद हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हेल्थ और फिटनेस को लेके काफी अवेयरनेस बढ़ी है। मेल हो या फीमेल, बच्चे हो या बुजुर्ग, हर आदमी अपने फिटनेस को लेके आज सीरियस हो गया है। लोग हर वक्त अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए उसके अलग अलग नुस्खे अपना रहे हैं। जिम बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, उसका रीजन नंबर 2, एक अंदाज के मुताबिक फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्री इंडिया में लॉकडाउन के पहले 5,000 करोड़ का बिजनेस कर रही थी, जो अगले 3 सालों में 7,000 करोड़ तक पहुंचने की पूरी संभावना है। रीजन नंबर 3, काफी सारी इंटरनेशनल जिम फ्रेंचाइजीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इंडियन फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा है। रीजन नंबर 4, इंडिया में यूथ पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और ये हमारा एसेट भी है, और आज के यूथ अपने फिटनेस को लेके बहुत सीरियस है। बॉलीवुड या हॉलीवुड का असर कहे या क्रिकेट या दूसरे स्पोर्ट्स का असर कहे, इंडिया के नौजवान खुद को फिट रखना पसंद करते हैं। नौजवानों में आज फिटनेस को लेके काफी अवेयरनेस बढ़ी है। रीजन नंबर 5, ना सिर्फ यूथ बल्कि लेडीज और सीनियर सिटीजन भी जिम जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है जो लोग जिम जाते हैं उनमें 30-35% लेडीज है और 10-15% ऐसे लोग हैं जो 50 साल के ऊपर की उम्र के हैं। आखिरी रीजन नंबर 6, गवर्नमेंट पॉलिसीज। खेलो इंडिया जैसी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बाद इंडियन यूथ स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और दूसरा, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि आजकल दूसरे काफी सारे स्पोर्ट्स में अच्छी स्पॉन्सरशिप मिलती है। और ये कहने की जरूरत नहीं है, कोई भी लेवल का स्पोर्ट्समैन अपनी फिटनेस और कंडीशनिंग के लिए जिम और ट्रेनर्स पे कितना निर्भर करता है। तो दोस्तों, इन 6 कारणों की वजह से इंडिया में आपको जिम बिजनेस जरूर शुरू करना चाहिए। जिम बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए ये सही टाइम है। अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट, नया जिम बिजनेस सेटअप करने के लिए डिटेल प्लानिंग, मतलब एक प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान बनाना जरूरी है। चलिए देखते हैं कि ये बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नेबरहुड जिम की, जो एक मीडियम लेवल का जिम है, या फिर यूं कहे एक बजट जिम है, जिसका एरिया 3000 से 5000 स्क्वायर फीट और जिसकी सालाना फीस 10,000 से नीचे है। जिम सेटअप प्लान का फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ परफेक्ट लोकेशन। हाँ दोस्तों, आपके बिजनेस का सक्सेस और फेलियर इस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे निर्भर करता है कि आपका जिम का लोकेशन क्या है। लोकेशन फाइनल करने के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस तरह है, आपका जिम हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल पॉपुलेशन वाली लोकेलिटी में होना जरूरी है ताकि आपको वॉक इन अच्छा मिले। जिम का एक्सेस इजी होना चाहिए, मतलब लोग आसानी से जिम में आ जा सके, जिम की एंट्री में अड़चन न हो। अगर जिम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे है तो लिफ्ट होना जरूरी है। अगर आपका जिम टॉप फ्लोर पे है तो फॉल सीलिंग होना जरूरी है। अगर फॉल सीलिंग नहीं है तो आपको करवानी होगी। बारिश में कोई लीकेजेस नहीं है ना, वो चेक करना जरूरी है। जिम मेंबर्स का सेपरेट पार्किंग होना जरूरी है। आप जिस लोकेशन में आपका जिम सेटअप करना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर लोकेशन में कितने जिम्स है
वो जानना जरूरी है। दोस्तों, जिम बिजनेस और दूसरे बिजनेस थोड़े अलग है। मतलब आपने देखा होगा कि सोनी बाजार में ढेर सारे सोनी बिजनेस करते हैं और हर एक सोनी का बिजनेस अच्छा चलता है। जिम बिजनेस में एक पर्टिकुलर एरिया में अगर ज्यादा जिम है तो वहाँ जिम खोलने के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जनरली 5 स्क्वायर किलोमीटर रेडियस में 2 या 3 जिम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जिस बिल्डिंग में आप जिम फाइनल कर रहे हैं वहाँ पे पानी की लाइन, ड्रेनेज की लाइन, 3-phase इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वगैरह चेक जरूर करें। लोकेशन के बाद दूसरा पॉइंट है रेंट। दोस्तों, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि रेंट एक सिंगल लार्जेस्ट ओवरहेड है जिसे हर महीने आपको पे करना है, इसलिए रेंट जितना कम हो उतना अच्छा। अगर प्रॉपर्टी आपकी खुद की है तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिजनेस आप रेंटेड प्रॉपर्टी में नहीं कर सकते। याद रहे, अगर रेंटेड प्रॉपर्टी में आप ये जिम खोलना चाहते हैं तो आपके लैंडलॉर्ड के साथ लीज एग्रीमेंट एटलीस्ट 10 साल का जरूर हो और इंक्रीमेंटल रेंट के क्लॉज को अच्छी तरह से चेक करके आप एग्रीमेंट साइन कीजिए। लोकेशन और प्रॉपर्टी फाइनल करने के बाद आपको पेपर पे एक प्रॉपर बिजनेस प्लान यानी कुछ एस्टिमेशन बनाना है। इसके लिए आप कोई प्रोफेशनल या चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ले सकते हैं। ये बिजनेस प्लान कैसे बनता है वो देखते हैं। यहाँ पे हम कुछ आंकड़ों का अजम्पशंस करेंगे और ये अजम्पशंस पे ये बिजनेस प्लान कैसे बन सकता है वो आपको बताएंगे। पहले आपको पहले 3 साल का रेवेन्यू का प्रोजेक्शन करना है। चलिए ये अज्यूम करते हैं कि जिम की 1 महीने की फीस आप 1200 रुपए और 1 साल की 8000 रुपए रखते हैं। पहले साल 1 महीने वाले मेंबर्स मतलब न्यू एडमिशन और रिन्यूअल मिला के 1200 एडमिशन्स होते हैं और 1 साल के लिए 600 एडमिशन्स होते हैं जिसमें नए एडमिशन और रिन्यूअल दोनों इंक्लूड है। तो आपका 1 साल का रेवेन्यू 62.40 लाख हो जाता है। अब हर साल ये एज्यूम करते हैं कि आपके बिजनेस में 20% ग्रोथ हो रहा है। ये एक एजम्पशन है, किसी का 10% या किसी का 30% ग्रोथ भी हो सकता है। अगर ये एज्यूम करते हैं कि आपका 20% ग्रोथ हर साल हो रहा है तो आपका दूसरे साल का रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 75 लाख और तीसरे साल का रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख हो जाता है। अब आपको ओवरहेड्स और इन्वेस्टमेंट का एस्टिमेशन करना है। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिम सेटअप करने में यानी कोई अच्छे मीडियम रेंज के इक्विपमेंट, फिर चाहे वो इंडियन मेड हो या इंपोर्टेड हो, और डिसेंट इंटीरियर्स मतलब नॉर्मल और आंखों को सूदिंग लगे वैसा इंटीरियर करने में हर 1 स्क्वायर फीट पे 1000 या 1200 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। अब अज्यूम करते हैं कि आपकी जिम प्रॉपर्टी 3000 स्क्वायर फीट की है तो आपका इन्वेस्टमेंट 30 से 32 लाख का हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों 10 से 15% का वेरिएशन आपके लोकेशन और कौन से सिटी में आप जिम खोल रहे हैं उस पे निर्भर करता है। चलिए ये अज्यूम करते हैं कि हर महीने रेंट, सैलरी, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ वेलफेयर, ये सारे ओवरहेड्स मतलब ये सारे खर्चे मिला के आपका 1 साल का 30 लाख के करीब खर्चा हो रहा है। मतलब हर महीने 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख का खर्चा हो रहा है। अब अज्यूम करें कि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने बैंक से लोन लिया है 12% इंटरेस्ट पे, यानी हर साल अप्रॉक्सीमेटली 3.60 लाख आप इंस्टॉलमेंट्स भर रहे हैं तो टोटल खर्चा आपका पहले साल का हुआ 34 लाख। अब ये अज्यूम करते हैं कि हर साल आपका खर्चा भी 10% बढ़ रहा है तो 10% इंक्रीज अगर अज्यूम करते हैं तो आपके दूसरे साल का खर्चा हुआ अप्रॉक्सीमेटली 38 लाख और तीसरे साल का खर्चा हुआ अप्रॉक्सीमेटली 41 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ, आप अगर अच्छी तरह से आपका बिजनेस मैनेज कर रहे हैं तो पहले 2 या 3 साल में आपका इन्वेस्टमेंट आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया बिजनेस प्लान काफी सारे अजम्पशंस पर आधारित है। जब आप खुद का प्लान बनाएं तो आपको लोकेशन, जिम एरिया, आपका सिटी, प्रॉपर्टी ओनरशिप वगैरह फैक्टर्स के हिसाब से आपका खुद का कैलकुलेशंस अच्छी तरह से करना है। याद रहे, एक अच्छा बिजनेस प्लान वो है जो 2 या 3 साल में आपका इन्वेस्टमेंट वापस कर सके। अब बिजनेस प्लान बनाने के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है,
या इन्वेस्टर्स के साथ अग्रीमेंट साइन करना है। अब नया जिम सेटअप करने के लिए आगे बताए जाने वाले 7 पॉइंट्स पे आपको काम शुरू करना है। ये सारे काम आपको एक साथ करने हैं। जिम में आप कौन सी फैसिलिटीज देने वाले हैं, इसका प्लानिंग करना, जिम इक्विपमेंट फाइनल करना, जिम इंटीरियर लेआउट प्लान फाइनल करना और काम शुरू करवाना, मतलब एजेंसीज को हायर करना, जिम का स्टाफ अपॉइंट करना, जिम सेटअप के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करना, जिम ओपनिंग की डेट फाइनल करना, जिम का प्रमोशन और मार्केटिंग प्लान बनाना और उसे शुरू करना। जनरली इन 7 एक्टिविटीज में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। अब हर एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ये स्टेज पे अगर आप पहली बार जिम सेटअप कर रहे हैं और जिम बिजनेस के बारे में आपको ज्यादा आइडिया या ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप कंसल्टेंट या फिर कोई एक्सपीरियंस और रिलायबल जिम मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हैं, जिससे आपको प्लानिंग करने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 1, जिम में आप कौन सी फैसिलिटीज देने वाले हैं, उसका लिस्ट बनाना। दोस्तों, इस स्टेज में आपको ये लिस्ट आउट करना है कि जिम में आप कौन सी फैसिलिटीज देने वाले हो और कौन सी एक्टिविटीज करने वाले हो, उसका डिटेल प्लानिंग करना है। इसके लिए पहले तो आपके आसपास जो जिम है वहाँ कौन सी एक्टिविटीज करवाई जाती है वो अच्छी तरह से देखें, और दूसरा, आपके जिम में कैसे लोग आ सकते हैं इसे ध्यान में रख के आप एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जिम इक्विपमेंट फाइनल करना। इसके लिए आपको अच्छी तरह से सर्वे करना पड़ेगा, अच्छी कंपनीज का कोटेशन मंगवाए, रेट्स, क्वालिटी और वारंटी एंड गारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस चेक करें। फिर जो इक्विपमेंट ब्रांड आपको ठीक लगे, उस ब्रांड के इक्विपमेंट जिस जिम में इंस्टॉल किए गए हैं वहां पर्सनली विजिट करें। उस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है उसके बारे में पूछताछ करें। अगर पॉसिबल है तो जिम इक्विपमेंट फैक्ट्री विजिट करें। अच्छी तरह से सर्वे करने के बाद जिम इक्विपमेंट फाइनल करें और ऑर्डर प्लेस करें। नॉर्मली जिम इक्विपमेंट डिलीवरी के लिए 1.5 से 2 महीना निकल सकता है। पॉइंट नंबर 3, फिर आपको जिम इंटीरियर का प्रोफेशनल लेआउट बना के जिम के इंटीरियर का काम शुरू करना है। जिम के इंटीरियर प्लान करने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। दोस्तों, जिम के हर एक्टिविटी के लिए अच्छे से प्रोविजन करें, मतलब प्रॉपर स्पेस अलोकेशन करें, जिसमें वेट एरिया, कार्डियो एरिया, ग्रुप एक्टिविटी एरिया, लॉकर्स, चेंज रूम, रिसेप्शन, वेटिंग एरिया, स्टीम, शॉवर्स, कैफेटेरिया, सप्लीमेंट डिस्प्ले वगैरह शामिल होते हैं। जिम रिसेप्शन को छोटा रखें और ज्यादा स्पेस जिम फ्लोर, वॉशरूम और लॉकर्स को अलोकेट करें। एयर कंडीशनर्स अच्छी क्वालिटी के इंस्टॉल करें, जो आपके बिजली की बचत कर सके। स्टाफ के लिए अलग से स्पेस अलॉट करें। काउंसलिंग के लिए भी अच्छी स्पेस अलॉट करें। ग्रुप एक्टिविटीज के लिए प्रॉपर प्लानिंग करें। सीसीटीवी, फायर एक्सटिंग्विशर्स, कंप्लेंट बॉक्स, फर्स्ट एड, ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह का अच्छा प्रोविजन करें। जिम के एंट्री पे कार्ड स्कैनर या थंब इम्प्रेशन मशीन इंस्टॉल करें। जिम में रूल्स एंड रेगुलेशंस के साइनेजेस लगाने के लोकेशंस फाइनल करें। जिम मेंबर्स के लिए पार्किंग फैसिलिटी प्रॉपर प्लान करें। जिम के साइनबोर्ड का लोकेशन और डिजाइन फाइनल करें। आपका जिम का फ्लोरिंग ड्यूरेबल होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 5 साल आपका फ्लोरिंग अच्छी तरह से चलना चाहिए। कैफेटेरिया और सप्लीमेंट्स का डिस्प्ले अच्छी तरह से प्लान करें। पॉइंट नंबर 4, स्टाफ अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर शुरू करें। जैसे पहले बताया, जिम मैनेजर का अपॉइंटमेंट आप इंटीरियर शुरू करने के वक्त या उससे पहले कर सकते हैं, और फिर आपके मैनेजर को साथ में रख के दूसरे स्टाफ की अपॉइंटमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, आपके सारे ट्रेनर्स कोई अच्छी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड होने चाहिए। हाँ, कुछ ट्रेनर्स एक्सपीरियंस और कुछ ट्रेनर्स फ्रेशर्स ले सकते हैं। एक एक्सपीरियंस ट्रेनर के साथ आप एक फ्रेशर ट्रेनर को अपॉइंट कर सकते हैं। दोस्तों, इनिशियली कम स्टाफ के साथ, मतलब मैनेजर, फ्लोर ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर, रिसेप्शनिस्ट एंड क्लास 4 स्टाफ के साथ शुरू कर सकते हैं, और फिर जिम शुरू होने के बाद लोगों के रिस्पांस के ऊपर आप स्टाफ को बढ़ा सकते हैं। आइडियली हर 1,000 स्क्वायर फीट पे आपको 2 फ्लोर ट्रेनर्स रखने चाहिए। स्टाफ के अपॉइंटमेंट के साथ हाउसकीपिंग एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी, वाईफाई इंटरनेट सर्विस वगैरह फाइनल कर लीजिए। जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी फाइनल कर लीजिए। ट्रेनर और सारे स्टाफ के लिए कंफर्टेबल यूनिफॉर्म फाइनल कर लीजिए। पॉइंट नंबर 5, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए, मतलब शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट लेना, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रजिस्ट्रेशन वगैरह। ये ज्यादातर फॉर्मेलिटीज आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लिए कर लेंगे। पॉइंट नंबर 6,
आपको ओपनिंग की डेट फाइनल करनी है। दोस्तों, जिम शुरू करने का आइडियल टाइम वक्त होता है विंटर्स। याद रहे, एग्जाम्स या फेस्टिवल जैसे दिवाली के टाइम जिम ओपनिंग को अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 7, डेट फाइनल होने के बाद आपको अपने जिम का प्रमोशन और मार्केटिंग शुरू करना है। सोशल मीडिया प्रमोशन शुरू कीजिए। जिम की एक अच्छी वेबसाइट बना लीजिए और उस पे जिम में आप जो फैसिलिटीज देने वाले हैं उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करें। जिम मेंबर्स के लिए अगर आप मोबाइल ऐप प्रोवाइड कर सकते हैं तो आपके जिम का एक अलग ही स्टैंडर्ड लगेगा। इस मोबाइल ऐप पे आप मेंबर्स को लॉगिन आईडी और पासवर्ड देके ऑनलाइन वर्कआउट और डाइट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपको ग्रैंड जिम इनॉग्रेशन प्लान करना है। किसी स्पोर्ट्स, फिटनेस, फिल्म या टीवी पर्सनालिटी को बुलाइए। आपके जिम के प्री लॉन्चिंग ऑफर्स आपको बड़े लेवल पे प्रमोट करना है। ये सारे प्रमोशंस आपके जिम और आपके पर्सनल सोशल मीडिया के थ्रू रोड होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर पैम्पलेट्स, लोकल रेडियो और टीवी चैनल के थ्रू आपको करना है। प्रमोशन का खर्चा सोच समझ कर कीजिए। आपके जिम के 5 या 6 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको ज्यादातर प्रमोशंस टारगेट करने हैं। जिम ओपनिंग के पहले आप न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट कंपनीज के साथ टाइप कर सकते हैं। लॉन्चिंग के वक्त आप क्रॉस बिजनेस प्रमोशन और फ्री वाउचर्स या डिस्काउंट कूपन्स की स्कीम भी लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको एक बोनस टिप देना चाहेंगे। दोस्तों, जिम की फीस शुरुआत में सोच समझ कर फाइनल करें। बहुत ज्यादा रखेंगे तो एडमिशन्स पे असर पड़ेगा और बहुत कम रखेंगे तो आपके रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। शुरुआत में फीस थोड़ा कम रखें, फिर धीरे धीरे आपके फीस बढ़ा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिम में आप जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी फीस वो फैसिलिटीज को जस्टिफाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिम का बिजनेस प्लान कैसे बनाया जा सकता है। अब इस वीडियो का तीसरा पार्ट। दोस्तों, ये देखा गया है कि इनिशियली ज्यादातर जिम अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन 2 या 3 सालों के बाद कई कारणों की वजह से जिम्स बंद हो जाते हैं। आपके साथ ये ना हो उसके लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। जिम ऑपरेशंस के लिए आपने एक्सपीरियंस मैनेजर्स अपॉइंट किए हो, लेकिन ओनर को जिम मैनेजमेंट को पीरियोडिकली सुपरवाइज करना जरूरी है। हर फेस्टिवल में आपको अलग अलग ऑफर्स निकालते रहनी चाहिए जिससे मेंबर्स अट्रैक्ट हो और आपका रिन्यूअल रेशियो अच्छा रहे। आपको मेंबर्स का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हर महीने कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज करनी चाहिए, जैसे स्पेशल जुम्बा बैचेस, एरोबिक्स, बोकवा या टबाटा बैचेस, बूट कैंप, वैकेशन बैच, योगा बैचेस, साइकिल ट्रिप्स या फिर जिम में मेंबर्स की कंपटीशन रखिए। हर साल अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जिम रिनोवेशन एंड अल्टरेशन में इन्वेस्ट करें। जिम मशीन्स, खास करके कार्डियो इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अपने जिम के मशीन्स को हर वक्त अच्छी कंडीशन में रखें। हर 2 या 3 साल में अपने जिम में नए मशीन्स इंट्रोड्यूस करिए। इससे मोनोटोनी टूटती है और मेंबर्स का इंटरेस्ट अपने जिम में मेंटेन रहता है। साल में 1 या 2 बार कोई बड़ी सेलिब्रिटी को अपने जिम की विजिट करवाइए। दोस्तों, मंथली ओवरहेड्स में कंट्रोल करें। याद रखें, खर्चे में बचत मतलब प्रॉफिट में बढ़ावा। आपके जिम के जो ट्रेनर्स हैं वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से ट्रीट करें, क्योंकि आपके जिम का फेस आपके ट्रेनर्स है। उनको बोनस, इंसेंटिव्स, सैलरी इंक्रीमेंट से खुश रखें। ट्रेनर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है। हर साल ट्रेनर्स को नया सर्टिफिकेशन करवाइए। ट्रेनर्स आपके मेंबर्स को जितना अच्छी सर्विस देंगे उतना आपका जिम अच्छा परफॉर्म करेगा। दोस्तों, यहाँ पे बताए गए पॉइंट्स पे अगर आप परफेक्टली काम करते हैं तो आपका जिम हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। जो रेवेन्यू आपके पहले 3 साल में आया है वैसा ही रेवेन्यू हर साल आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो लंबा ज़रूर था, बट वी आर श्योर कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा कि इंडिया में पोस्ट लॉकडाउन जिम बिजनेस शुरू कर किया जा सकता है, और अगर प्रॉपर प्लानिंग और डिटर्मिनेशन के साथ इस बिजनेस को किया जाए तो आपका बिजनेस एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।